हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ए बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। इकोलॉजी के अंदर बस यही सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, और ये थ्योरेटिकल बेसिस पे है पूरा का पूरा यूनिट। जितने भी आप चैप्टर्स जितने भी इसमें देखेंगे, सारी की सारी चीजें जो है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे है। बट याद रखिए कि इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप उसको राइट तरीके से पढ़े तो। देखिए, इकोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन कैसे समझेंगे? इंटरेक्शन, जैसे कि आप लोग है इस चीज को फील कर सकते हैं कि आप इंटरेक्शन करते हैं अपने चारों तरफ के एनवायरमेंट के साथ में। कैसे इंटरेक्शन करते हैं? क्या आपको इफेक्ट नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर का? बताइए मुझे। बिल्कुल पड़ रहा है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो आप क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर बिल्कुल रेगुलेट, आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को, हम बोलते हैं कि जो भी लो टेम्परेचर होगा या फिर हाई टेम्परेचर होगा उसमें अपने आप को मेंटेन कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एसी, पंखे, ये सब चला लेते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये इफेक्ट ही तो है ए बायोटिक फैक्टर का, और आप खुद एक बायोटिक फैक्टर में से आते हैं, ठीक है। आप बायोटिक है जबकि एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो एबायोटिक फैक्टर है। अब देखिए, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो अभी क्या करेंगे? अभी करें कंबल लेके बैठ जाएंगे। बिल्कुल, कुछ तो आपकी बॉडी जो है खुद ही टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। टेम्परेचर जो है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकती है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल हम भी वो फंक्शंस करते ही हैं क्योंकि हम पर वो उनका इफेक्ट होता है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन हो गया। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए, टेम्परेचर का, लाइट का, अगर हम देखें वाटर का, विंड का, ये सभी चीजों का इफेक्ट पड़ता है किसी भी क्रॉप के ऊपर। क्रॉप कैसी होगी, कितनी होगी, उन सब चीजों का इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर भी, हमारे ऊपर पड़ेगा। उसके साथ साथ में सॉइल की खुद की, हम बोलते हैं कंपोजिशन जो होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। और फिर देखिए, सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स जो है वो भी इफेक्टेड होते हैं। हम जितने भी फैक्टर्स हैं जो इस पूरे के पूरे, हम बोल रहे हैं अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, वो सभी फैक्टर्स, बायोटिक हो चाहे एबायोटिक, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट रहता है। और इकोलॉजी यही है। इकोलॉजी में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इन फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इन फैक्टर्स के बीच में किस तरह से इंटरेक्शन होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे बेनिफिशियल रहते हैं कैसे हार्मफुल रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या लॉज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हर चीज जो आएगी वो आपकी इकोलॉजी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर यही है इकोलॉजी। देखिए इकोलॉजी, चलिए अब इकोलॉजी वर्ड किसने दिया, हैकल ने दिया है, टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं की है, और ना ही इन पे क्वेश्चन बनते हैं ना पूछा जाता है। अब आप अपने नॉलेज के लिए अगर याद रखना चाहते हैं कि कौन है फादर ऑफ इकोलॉजी, कौन है इंडियन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो आप चाहें तो इन सब चीजों को याद रख सकते हैं क्योंकि ये आपका नॉलेज इंक्रीज कर रहा है। बट ये क्वेश्चन जो है वो पूछे नहीं जाते हैं, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, इकोलॉजी के अंदर देखिए, अभी इन्हीं फैक्टर्स के जो इंटरेक्शन है इनका लेवल जो है वो अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल किसको कहते हैं? इंडिविजुअल किसी भी लाइफ फॉर्म को बोल सकते हैं। वो यूनिसेलुलर हो सकती है, वो मल्टीसेलुलर हो सकती है, यानी कि आप खुद स्वयं अपने आप से, जैसे कि मैं पूछा, मैं भी क्या हूं, मैं क्या हूं, एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है। अब मेरे खुद के कई सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे इफेक्ट कर रहे हैं, कई एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो मुझे इफेक्ट कर रहे हैं, मुझे भी टेम्परेचर इफेक्ट करता है, मुझे भी लाइट जो है वो इफेक्ट करती है। पर्सनली लेवल पर जो देखिए, मैं इंडिविजुअल और मेरे खुद के सिस्टम के अंदर कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहते हैं। मैं अपने आप में क्या हूं, एक सिस्टम ही तो हूं। इवन अगर कि वो यूनिसेलुलर अगर हम सेल ले लेते हैं, अमीबा, अमीबा भी क्या हो गया, अमीबा खुद एक इंडिविजुअल और उसके अंदर खुद का भी क्या है, एक सिस्टम है, और जो कि इफेक्टेड रहता है बाय द एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। और ना ही एबायोटिक, बायोटिक दूसरे अनदर फैक्टर्स जो होते हैं उसके साथ में भी वो क्या रहता है, इंटरेक्शन में रहता है, उसका भी इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले तो किसी भी लाइफ फॉर्म, किसी भी सिंपल, अकेले, सिंगल इंडिविजुअल जो हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे, ठीक है। अब जब ऐसे ही इंडिविजुअलों की, इंडिविजुअल जो है वो ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, जब इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, जब हम बात करें एक साथ, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो नंबर हम बोल रहे हैं कि यही कोई एक स्पीशीज, जैसे अभी तो मैं होमो सेपियन हूं, मेरे बारे में मैंने बात किया, तो होमो सेपियन अगर मैं बात करती हूँ पॉपुलेशन की, तो उसके अंदर फिर जेंडर जो है मेल एंड फीमेल, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जेंडर जो है वो हम बोलते हैं कि अनस्पेसिफिक रहता है, तो
वो सभी जितने भी होमो सेपियंस होते हैं उन सबको ग्रुप के अंदर हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज की हो सकती है, जैसे कि हमारी है, इसी के साथ में कोई भी प्लांट स्पीशीज है तो उसकी भी एक पॉपुलेशन हो सकती है। एक क्रॉप जो है पूरी ग्रो कर रही है किसी एक पर्टिकुलर एक स्पीशीज की, जैसे कि सोलेनम ट्यूबेरोसम, उसकी उसका जो है पूरी की पूरी आपने देखा एक एरिया में वो ग्रो कर रहा है, तो वो क्या हो गई, वो सोलेनम ट्यूबेरोसम की पॉपुलेशन हो गई। किसी भी एक स्पीशीज, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसके ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब कई तरह की स्पीशीज जो होती है वो जब एक जगह पर एक साथ रहती है, जैसे कि कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है जिसमें कई तरह की स्पीशीज आ जाती है। कई तरह की स्पीशीज का मतलब ये हो गया कि जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल हम रह रहे हैं, हमारे साथ में गली में घूमेंगे तो आप देखेंगे कुत्ते भी चल रहे हैं, गाय भी हैं, सुअर भी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं जो एक ही जगह पर एक ही एरिया में प्रेजेंट है, तो वो क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, इकोसिस्टम, सिस्टम किसको बोलेंगे, अब देखिए सिस्टम तो कई लेवल पे हो सकता है कि अगर जहां पर सिस्टम जो है वो हमें बोल रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज जिनके ऊपर एबायोटिक फैक्टर जो है उनका इफेक्ट हो रहा हो, तो उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जैसे कि एक्वेटिक हो सकता है, लाइक वाटर है, वाटर जो है वो वाटर इकोसिस्टम में आपके कई तरह की प्लांट स्पीशीज भी प्रेजेंट होगी, तो वहां पे कई तरह की हम ये बोल रहे हैं कि एनिमल स्पीशीज जो है वो भी वहां पे प्रेजेंट होगी, तो वो सभी मिलकर क्या बनाती है, एक इकोसिस्टम बनाती है जिन पर वहां के एबायोटिक फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, और जो उनके ऊपर एबायोटिक फैक्टर्स का इफेक्ट होता है उसे डिफरेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट में प्रेजेंट, हम बोलते हैं कि जो जितनी भी स्पीशीज हैं उन सब के ऊपर, तो वो क्या हो गया, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। तो हर तरह के, हर इकोसिस्टम के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, उनका इफेक्ट भी अलग अलग तरीके का होता है, इस वजह से वहां प्रेजेंट जो भी स्पीशीज होंगी उनके मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर्स जो होते हैं वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो इकोसिस्टम बनाते हैं। बायोम किसको बोल रहे हैं, बायोम हम बोल रहे हैं वही लार्ज स्केल के अंदर, अगर हम बात करेंगे लार्ज स्केल के अंदर जब कई तरह के इकोसिस्टम जहां पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जहां पर ये टेरिस्ट्रियल भी है, जहां पर हम ये बोल रहे हैं एक्वेटिक भी है। ठीक है, अगर हम पोंड इकोसिस्टम की बात करें तो पोंड इकोसिस्टम भी है उसके अंदर, तो ये सभी जब एक साथ एक जगह पर कई तरह के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं माइनर टू मेजर, उन सबको तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, बायोम बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बनते हैं बायोम। ठीक है, और बायोस्फेयर आप जानते हैं कि अर्थ क्या है, अर्थ एक बायोस्फेयर है जिसके ऊपर कई तरह के प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, साथ में कई प्रोकैरियोटिक स्पीशीज जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है, और एबायोटिक फैक्टर्स उनकी अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलती है अलग अलग जगह पर, हर एरिया में एबायोटिक फैक्टर्स यानी क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलती है, और जहां पे जिस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी होगी वहां प्रेजेंट प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज के अंदर वैसे ही मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर डेवलप होंगे। फॉर द एग्जाम्पल के लिए अगर डेजर्ट एनवायरमेंट की बात करो तो डेजर्ट एनवायरमेंट कैसा होता है, जहां टेम्परेचर एक्सट्रीम रहता है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, जहां पर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा होता है बिकॉज टेम्परेचर हाई वहां देखता है, विंड जो होती है वो ड्राई होती है, तो आप देखोगे कि वहां पे प्रेजेंट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी वैसे ही करेक्टर होते हैं। वहां पे प्रेजेंट जो प्लांट्स होते हैं उनमें सनकन स्टोमेटा होते हैं ट्रांसपीरेशन की रेट को कम करने के लिए, उनके अंदर कैंप साइकिल परफॉर्म होता है, स्टोमेटा जो होते हैं वो रात को ओपन होते हैं ताकि सुबह के टाइम पे ट्रांसपीरेशन रेट कम हो सके। फिर इसी के साथ में जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स जो होती है बहुत ज्यादा लंबी गहराई तक धंसी रहती है ताकि वाटर को एब्जॉर्व कर सके, उसके साथ में उनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है कि ट्रांसपीरेशन की रेट जो है वो कम हो सके। तो ये सारी की सारी जो है फैक्टर्स जो है उनकी वजह से वहां प्रेजेंट प्लांट में क्या क्या चेंजेस आए, रूट लंबी हुई, सनकन स्ट्रोमेटा हुए, कैंप साइकिल अंदर परफॉर्म हुआ, लीव्स रिड्यूस हुई, तो ये क्या थे, ये उन एबायोटिक फैक्टर्स का इफेक्ट था। यानी जिस तरह का भी इकोसिस्टम होगा उस तरह वहां के प्रेजेंट इकोसिस्टम के एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां प्रेजेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जो है वो डेवलप होंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक इको आपके इकोलॉजी के अंदर दिया है और ऑर्गेनिज्म का इसके अंदर क्या है, एनुअल प्रेसिपिटेशन बताइए, और अलग अलग जो हम बोल रहे हैं कि डेजर्ट इकोसिस्टम है या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वहां अलग अलग जगह पर किस तरह का, हम बोलते हैं कि टेम्परेचर जो है वो किस लेवल का होता है और वहां पे एनुअल रेनफॉल क्या होती है, तो ये उसी के बीच में आप देखो जैसे कि डेजर्ट एनवायरमेंट है, डेजर्ट एनवायरमेंट जो है वो कैसे डिसाइडेड हो रहा है कि हमने उसको डेजर्ट बोला, रीजन ये था क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, वहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, एनुअल टेम्परेचर की बात करें मीन
है ना, तो औसत हमने तापमान निकाला है, तो औसत तापमान जो है वो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है बहुत हाई है डेजर्ट के अंदर, जबकि रेनफॉल जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। कितनी देखिए, 50 सेंटीमीटर से भी कम है यहाँ पे। अब रेनफॉल कम होगी तो होगा क्या, वेजिटेशन जो हमें मिलेगी क्या वो बहुत ज्यादा प्लेंटी बहुत ज्यादा मिलेगी, नहीं बहुत कम मिलेगी देखने में। क्यों? क्योंकि रेनफॉल कम है, जहां रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर प्लांट नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी कि किसी भी स्पीशीज की नंबर जो होता है, क्वांटिटी जो होती है, वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट रहती है, तो उसी तरह का वो इकोसिस्टम फिर फॉर्म हो जाता है। जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करिए, ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड के अंदर हम बोले टेम्परेचर तो हाई है बट उसके साथ में प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा है। प्रेसिपिटेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वहां पर जो हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स की हाइट जो होती है वो कैसी रहती है, कम रहती है, शॉर्ट हाइटेड होते हैं, बट प्लांट की क्वांटिटी एज कंपेयर टू अगर हम बात करेंगे डेजर्ट से तो वहां से हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ग्रासेस होते हैं ना वहां पर, तो ग्रासलैंड आ गया आपका। इसके अलावा देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करो, कॉनिफर्स देखिए, कॉनिफर्स देखिए, कॉनिफर्स के बारे में ये ना चार्ट में दिया है। कॉनिफर्स जो है उसके अंदर देखो टेम्परेचर जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि कम है एज कंपेयर टू डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनसे भी टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, बट प्रेसिपिटेशन देखिए, एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। कॉनिफर्स कैसे होते हैं भाई, बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं, जहां पे आप देखोगे ऐसे नुकीले कैनोपी जहां पे रहती है वहां पे छाया वाले एरिया में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो ज्यादा ग्रो करते हैं। अब देखिए एनवायरमेंट का इफेक्ट जो पड़ता है, इस वजह से वहां की वेजिटेशन में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, वहां की जो एनिमल स्पीशीज होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है कि किस तरह की प्लांट स्पीशीज वहां डेवलप होगी। अब हर जगह तो आपको देखने को नहीं मिल जाएंगे ब्रायोफाइट्स, या हर जगह आपको टेरिडोफाइट देखने को नहीं मिल जाएंगे, या हर जगह तो आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिल जाएंगे। रीजन क्या होता है कि कुछ स्पीशीज जो होती है प्लांट स्पीशीज वो जियोग्राफिकली रेस्ट्रिक्टेड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट हमें ज्यादातर कहां देखने को मिलते हैं, वहीं जहां पर ज्यादातर बारिश होती है, मोइस्ट एनवायरनमेंट है, डैम्प एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो वहां पर हमें टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अभी ब्रायोफाइट्स जो है, क्योंकि वो भी आपके अपने रिप्रोडक्शन के लिए वो डिपेंडेंट रह रहे हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, तो उनको भी ऐसा ही एनवायरनमेंट चाहिए जहां वाटर भी प्रेजेंट हो, तो ऑब्वियस बात है वो जीरो फिटिंग कंडीशन के अंदर तो ब्रायोफाइट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डेजर्ट एनवायरनमेंट के अंदर तो वहां पे उनको पानी मिलेगा ही नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो कौन सी प्लांट स्पीशीज डेवलप हो रही है कहां पर, इस पर ये कैसे डिसाइड होता है, बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। और वो एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे होंगे, उसके साथ में प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिसाइड हो रही है, बट उसी के साथ साथ में आपका सिस्टम जो है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो गया, ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिकल जो है, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर तो जो है वो हाई है, लेकिन उसके साथ में एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होती है बहुत हाई होती है, तभी तो फॉरेस्ट जो है डेवलप होगी। एक चीज देखिए इस ग्राफ में आपको नजर आएगा, फॉरेस्ट जहां पे भी शो हो रहा है वहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज देखने को मिलती है। रीजन क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, वहां पे रेन आपको बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। अब देखिए टेम्परेचर जो होता है ना, आप ये देखिए जितने भी इकोसिस्टम है उनमें से कुछ इकोसिस्टम ऐसे है जहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, तो हमें इस पूरे अर्थ पे अगर हम देखें तो हमें -50 तक भी हमें जो है ना वो टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है, बट वहां पर भी लिविंग हम बोल रहे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हमें वहां पे भी देखने को मिलती है, बट हाँ उनमें चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल फैक्टर। अब देखिए आर्कटिक जो है आपके एल्पाइन टुंड्रा जो है, यहां पर आप टेम्परेचर देखो माइनस के अंदर टेम्परेचर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर जो है वो यहां पे स्पीशीज देखने को नहीं मिलेगी। तो ह्यूमंस के बारे में अगर आप बात करो तो ह्यूमन जो होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और हम बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और लो टेम्परेचर जो होता है माइनस में जो टेम्परेचर है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये है इकोसिस्टम, पूरी कहानी अगर इकोसिस्टम के बारे में बात करें और इकोलॉजी के बारे में बात करें तो यही है मेन कहानी। अब इसी के बारे में हम थोड़ा और एक्सटेंड करके पढ़ते रहेंगे। चलिए मेजर एबायोटिक फैक्टर में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाते हो तो आपके टेम्परेचर के अंदर आपको चेंज देखने को मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। अब ये देखो ये चेंज कैसे मिलता है कि अगर आप पोल्स की अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप क्या करोगे प्लेन एरिया से माउंटेन की तरफ जाओगे या टॉप पे जाओगे तो आपको टेम्परेचर फिर वहां पे भी क्या मिलेगा, धीरे धीरे कम होते हुए मिलेगा। यानी आप हाइट पे जाते हो तब भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि अगर आप इक्वेटर से पोल्स डिफरेंट पोल्स की तरफ जाते हो तब भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो टेम्परेचर है इसका इफेक्ट आपके पड़ रहा है कैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं अगर इनके बारे में बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर तो हम ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर
को रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। हाँ, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से उनकी लीफ जो होती है उनमें कूलिंग होती है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चलता रहता है तो उनके अंदर पत्तियों का जो टेम्परेचर होता है उसको वो थोड़ा कम करते रहते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर हमें इस तरह के वो एनिमल्स मिलेंगे कि कुछ ऐसे तो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर जो होता है वो आउटर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते। उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, जैसे बाहर का एनवायरमेंट का टेम्परेचर हाई हुआ तो खुद का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर बाहर का एनवायरमेंट जो है टेम्परेचर कम हुआ तो खुद के भी इनर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि वो मेंटेन नहीं कर पाते। अब ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो कौन होते हैं, फिशेस। फिशेस जो होती है वो अपना अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या मेंटेन कर पाती है, नहीं। लेकिन अगर हम हमारी बात करेंगे तो हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख पाते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं। तो आउटर टेम्परेचर जो है वो कम या ज्यादा हो, पर हमारी बॉडी का जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर जो है, उसको हम कंट्रोल या रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के ऊपर जो बात आ रही है वो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, यहां से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट क्या है ना, इतना थ्योरिटी का लिखा हुआ है कि हम उनको पढ़ते ही नहीं है। यूरीथर्मल, यूरीथर्मल किसको बोल रहे हैं, फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्रिव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो टॉलरेट कर सकते हैं उनको यूरीथर्मल बोल रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि जो कम रेंज, जो कम होता है ना टेम्परेचर, उसको वो टॉलरेट कर पाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेनोथर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह के हो सकते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं वॉटर। वॉटर का इफेक्ट पड़ता है बिल्कुल, वॉटर जो होती है, अभी देखिए वाटर में क्या क्या चीज आपको इफेक्ट कर सकती है, दो देखो। पहले तो आप ये समझिए कि ऑन द बेसिस ऑफ वाटर और उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि प्लांट्स या एनिमल्स दो तरह के हो सकते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जो पूरा लाइफ अपना एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो है वो अपने आप उनके सर्वाइव करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो टेरिस्ट्रियली होते हैं, जैसे कि फॉर द एग्जांपल फिशेस। फिशेस क्या है, एक्वेटिक है, वो वाटर की अवेलेबिलिटी उनको ज्यादा चाहिए होती है। जबकि अगर हम हमारे बारे में बात करें तो हम कैसे हैं, हम टेरिस्ट्रियल है, हम वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम टेरिस्ट्रियल हैबिटेट जो होता है उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो वाटर की हमें रिक्वायरमेंट बिल्कुल तब भी है, और फिशेस को भी वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दोनों को ही वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। बट वाटर जो होता है उसकी कितनी परसेंट रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वाटर पे डिपेंडेंट हैं, बट हम वाटर हैबिटेट में नहीं रहते हैं, ठीक है। और फिशेस को भी अपने वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, बट वो उनका हैबिटेट ही क्या होता है, वाटर होता है। एक तो ये कंडीशन हुई, दूसरी सैलिनिटी, कि कितना सैलाइन होता है वाटर, वो भी इफेक्ट करता है। जैसे कि कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो सैलाइन एरियाज के अंदर क्या करती हैं, ग्रो करती है। अगर उनको फ्रेश वाटर के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा, उनके अंदर ऑस्मोसिस होगा, लेकिन कौन सा, एंडोस्मोसिस होगा, उनके अंदर पानी आएगा, अंदर पानी आने की वजह से क्या हो जाएगा, सेल फूल सकती है, ठीक है ना, उनकी सेल्स फूल सकती है, वो खुद ऑर्गेनिज्म जो है वो फूल सकता है। और ऐसे ही अगर कोई फ्रेश वाटर का, अगर कोई प्लांट स्पीशीज है या फिर एनिमल, अगर उसको सेलाइन में अगर रख दिया जाए तो होगा क्या, कि उनकी सेल्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएगी। तो फ्रेश वाटर में रहने वाले फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, जबकि सेलाइन जो है आपके वाटर में रहने वाले जो आपकी स्पीशीज है वो उसी में सर्वाइव करती है। रीजन क्योंकि सैलिनिटी जो है वो उनको इफेक्ट करती है। अब फॉर द एग्जाम्पल के लिए हेलोफाइट्स के बारे में बात करी, तो हेलोफाइट्स को तो अपनी ग्रोथ के लिए ही सैलाइन वाटर, सैलाइन हैबिटेट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे हैं सॉइल के अंदर सैलिनिटी की। अब यहां पर हम जो सैलाइन वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वाटर के अंदर सैलिनिटी कितनी होती है उसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है जो कंफ्यूज कर देती है, बच्चे कई बार पूछ लेते हैं, तो इसीलिए आपको बताया। अभी देखिए इस पे भी दो कंडीशंस है, एक है यूरी हैलाइन और दूसरी आती है स्टेनो हैलाइन। यूरी हैलाइन है तो समझ जाइए कि वो जो हाई सैलाइन एनवायरनमेंट होता है, हाई सैलाइन वाटर जो होता है उसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम यूरी हैलाइन कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कम रेंज होती है जिसमें सैलिनिटी कम होती है उसी के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम स्टेनो हैलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वाटर के बारे में। फिर आ जाता है लाइट एंड सॉइल। तो देखिए लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन एंड हम बोलते हैं लाइट की क्वालिटी, वो बहुत इफेक्ट करती है। प्लांट के अंदर हम लोगों ने बात की, क्योंकि मेन फोटोसिंथेसिस जो है उनको रिक्वायरमेंट रहती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, इसलिए उनको रिक्वायरमेंट रहती है लाइट की। सनलाइट ही मेन सोर्स है एनर्जी का प्लांट्स के अंदर। अभी देखिए प्लांट्स के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनको लाइट की हम बोलते हैं कि ज्यादा इंटेंसिटी की जरूरत होती है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको इंटेंसिटी जो है कम होगी तब भी चलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं कि उनको आप लाइट लविंग बोल देंगे, जो जिनको ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए।
और लाइट की क्वालिटी से मतलब ये हो गया कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस मेन कौन सी लाइट करती है, ब्लू एंड रेड कलर की। तो ऑब्वियस ही बात है ब्लू एंड रेड कलर की इंटेंसिटी वाली लाइट आएगी, ब्लू एंड रेड जब वो वेवलेंथ वाली लाइट आएगी तभी फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो इंक्रीज होगी, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। बट लाइट की ड्यूरेशन का फोटोसिंथेसिस की रेट पे इफेक्ट नहीं है, वो ओवरऑल इफेक्ट डालता है फोटोसिंथेसिस पे। ये एक अच्छी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप समझ नहीं पाते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रेट इंडिविजुअल प्लांट के अंदर इफेक्ट नहीं होती, पूरे पॉपुलेशन के अंदर हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन पूरी के पूरी प्लांट स्पीशीज जो होती है उस पर लाइट की ड्यूरेशन का इफेक्ट पड़ता है कि कितनी देर के लिए लाइट दी गई है और कितनी कम होती है। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो लॉन्ग डे होते हैं प्लांट और कुछ जो होते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि लाइट का इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही सॉइल का इफेक्ट भी पड़ता है। सॉइल जो होता है कि आप जानते हैं कि सॉइल अगर ज्यादा हम बोल रहे हैं कि सेलाइन होगा तो हेलोफाइट्स वहां ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको सेलाइन जो है उसकी सेलिनिटी जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, सॉइल के अंदर सेलिनिटी इंक्रीज होती है तभी वो क्या करते हैं अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो सॉइल जो होती है उसके अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी जो होती है, कितना मिनरल प्रेजेंट होता है, ये सब चीजें जो है वो प्लांट को इफेक्ट करती है, क्योंकि प्लांट बेसिकली उनकी जो रूट होती है वो उसमें सॉइल में पेनिट्रेट रहती है और वहीं से वो वाटर एब्जॉर्व करती है जिसके थ्रू वो मिनरल्स को भी एब्जॉर्व करती है। अब सॉइल किस क्वालिटी के है उसका इफेक्ट उन पर पड़ता है, रीजन ये है क्योंकि कुछ जैसे लेग्यूम्स वगैरह वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जिस सॉइल के अंदर ग्रो करेगी वहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और नाइट्रोजन मेन हम ये बोल रहे हैं एलिमेंट है जो क्या करता है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट की रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, अमीनो एसिड्स को फॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से हम ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर सॉइल की क्वालिटी कैसी है उसका इफेक्ट पड़ता है, और सॉइल के साथ साथ में लाइट जो है लाइट का सॉइल का इन सब का मेन इफेक्ट जो है वो प्लांट्स के ऊपर सीधे तौर पे पड़ता है। ठीक है, तो ये वो एबायोटिक फैक्टर है जो इफेक्ट डाल रहे हैं किस पे, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज पे। अब आ जाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्स किस तरह से शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाई ये कन्फर्मर्स होते हैं, कन्फर्मर्स किसको बोलते हैं कि वो जो अपने आप को जो अपना हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जो होता है इनर टेम्परेचर उसको आउटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते, उनको हम कन्फर्मर्स रखते हैं। रेगुलेटर्स उसको बोला जाता है जो कि रेगुलेट कर लेते हैं अपने इंटरनल टेम्परेचर को आउटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है मेंटेन करने की जिनमें कैपेसिटी रहती है उनको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। पार्शियल रेगुलेटर्स वो होते हैं जो एक हम बोलते हैं ऑप्टिमम रेंज तक तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, बट हम ये बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल में होते क्या है, कन्फर्मर्स ही होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो चार्ट के अंदर आपको दिया गया है यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले आ जाता है रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स किसको बोल रहे हैं, ऑर्गेनिज्म विच कैन मेंटेन होम्योस्टेसिस। अभी पहले शब्द पता होना चाहिए होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस होता है आपके बॉडी का इंटरनल हम बोलते हैं बैलेंस, कि वो बैलेंस का मतलब ये हो गया कि हमारा इंटरनल टेम्परेचर, हमारे अंदर पानी की क्वांटिटी, कि ऐसा भी नहीं है कि वाटर लॉस हमारी बॉडी से होता रहे, डिहाइड्रेशन होता रहे, बट उसको कंपनशिएट किया जाना जरूरी है। वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे बॉडी के अंदर रहनी चाहिए, तो उसको कैसे कंपनशिएट करेंगे वो, तो हमारे वाटर का लेवल, सेलिनिटी बिल्कुल, ये जो है उसकी क्वांटिटी जो होती है उस सेलिनिटी उसको भी रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। वो जब ऑप्टिमम रेंज में रहता है वही दैट इज गुड कंडीशन, तो वो रेगुलेटर्स में वो आते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल बॉडी को हम बोलते हैं कि बैलेंस रख पाते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को आउटर एनवायरनमेंट के साथ में बैलेंस रख पाते हैं, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, अभी देखिए आगे हम रेगुलेटर्स के बारे में बात करें। बाय फिजियोलॉजिकल मींस एंड मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ऑल द बर्ड्स एंड मैमल्स सम लोअर इनवर्टिबेट्स एंड वर्टिबेट्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो रेगुलेटर्स की श्रेणी में आते हैं, यानी बर्ड्स, मैमल्स और कुछ हमारे हम बोल रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो भी क्या है आपके रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, फिशेज वगैरह जो है वो रेगुलेटर्स में नहीं आती है। तो ये हो गया आपका रेगुलेटर के बारे में, हम उन्हीं में से एक है। कन्फर्मर्स किसको बोल रहे हैं, कन्फर्मर्स ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरमेंट, सिंप्लीफाई कन्फर्म टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जितने भी 99% एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी कन्फर्मर्स आते हैं, वो आउटर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरमेंट को कांस्टेंट नहीं रख पाते, वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाते हैं, बाहर ज्यादा तो अंदर भी ज्यादा, ऐसी कंडीशन उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो उनको हम कन्फर्मर्स कहते हैं। पार्शियली कन्फर्म रेगुलेटर्स कौन से आ गए, सम स्पीशीज हैव इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्मर्स, नहीं तो वो कन्फर्मर्स ही है, केवल ऑप्टिमम रेंज तक ही वो अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन ये आता है
कि वो जब टेम्परेचर, जब उनके हम ये बोले कि ऑर्गेनिज्म जो होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, वो क्या होता है मूव कर जाता है उस एरिया में जब उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट वहां पे नहीं रहता। फॉर द एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग समझो तो जैसे कि विंटर के अंदर क्या होता है कि भरतपुर के अंदर कई सारे साइबेरियन जो हम बोल रहे हैं कि पक्षी आ जाते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि उनको विंटर को क्या करना होता है, स्किप करना होता है, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, माइग्रेट करके वो राजस्थान के अंदर हमारे नेशनल पार्क में आ जाते हैं। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है हर बार, तो ये जो क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। तो माइग्रेशन शो करते हैं, तो ये बर्ड्स जो होती हैं ये माइग्रेट होती है। रीजन यही है कि इनको क्या करना है, जब जो एक्सटर्नल टेम्परेचर जो इनके खुद के लिए सुटेबल इनको नहीं लगता, तो ये क्या करती है उस कंडीशन के अंदर ये अपने आप को माइग्रेट कर लेती है और उस एरिया में चली जाती है जहां पर उनको सुटेबल एनवायरमेंट मिलता है। यानी कि ये हर विंटर में कहाँ आ जाती है, ये भरतपुर राजस्थान के अंदर ये क्या करती है, मूव कर जाती है। ठीक है, चलिए। सस्पेंड का मतलब ये हो गया कुछ ऐसे लोअर, हम बात कर रहे हैं लोअर, या कुछ हायर भी हैं एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो एनवायरमेंटल चेंज आया है तो उस पूरे के पूरे सीजन को ही वो स्किप कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो विंटर को ही क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समर जो होता है उसको स्किप कर देते हैं। स्किप कैसे किया जाता है कि वो अपने आप को छुपा लेते हैं एक दूसरे एनवायरमेंट के अंदर जहां पर उनको उनकी खुद की ग्रोथ के लिए सुटेबल एनवायरमेंट मिलता हो। रीजन क्या रहता है बेसिकली ये सब चीजें करने का, वो रीजन ये रहता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है और हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स भी एक सुटेबल, एक ऑप्टिमम रेंज के टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। अगर एंजाइम्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, वो डीनेचुरेशन शो करेंगे एंड देन वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इफेक्ट करेगी। इस वजह से हम तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं, बट बाकी लोग क्या करेंगे, तो बाकी लोगों के लिए ये रस्ते हैं कुछ, तो वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनकी इफेक्ट ना हो तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सस्पेंड कर जाते हैं उस सीजन को। फॉर द एग्जाम्पल के लिए हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप को बोलते हैं। बियर वगैरह जो है वो ये सब चीजें करते हैं कि विंटर आता है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। विंटर के टाइम पे उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इफेक्ट होती है, वैसे ही एस्टिवेशन होता है, समर स्लीप को हम बोलते हैं। तो फिशेज और स्नेल वगैरह जो होते हैं वो समर टाइम के अंदर क्या होती है, छुप जाती है। समर जो होता है हाई टेम्परेचर जो है उसमें उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इफेक्ट होती है इस वजह से। ठीक है, तो ये वो कन्फर्मर्स हैं जो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ इनके अंदर रेगुलेटर्स भी है क्योंकि मैमल्स आ रहे हैं, तो कुछ मैमल्स भी ऐसे हैं जो कि ये सस्पेंड जो है इस एक्टिविटी को करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन अच्छा कहां से बनेगा, जहां से हमें कुछ यूनिक चीज मिलेगी। जैसे कि मैमल्स को एक टाइम पे तो हम कह रहे हैं कि वो रेगुलेटर्स है, दूसरे टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि वो सस्पेंड भी करते हैं, तो वो कौन से हैं जो सस्पेंड कर जाते हैं, तो वहां पे अच्छे हमारे पास में एग्जांपल है तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सस्पेंड कर जाते हैं कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स उस पर्टिकुलर सीजन को ही जो उनके लिए सुटेबल नहीं होती है। अब आ जाता है अडेप्टेशन। ये जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं इन सबके लिए प्लांट्स में और एनिमल्स में अडेप्टेशन हमें देखने को मिलते हैं ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके उस एनवायरनमेंट के अंदर। तो अपने सर्वाइवल के लिए वो अपने अंदर ये फिजियोलॉजिकल, हम बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल चेंजेस ले आते हैं। तो आप वही सारे मोर्फोलॉजिकल चेंजेस के बारे में देखो, जैसे कि कंगारू रेड जो होते हैं नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में रहते हैं, तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मीट्स इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। वाटर इज ए बाय प्रोडक्ट, कंसेंट्रेट इट्स यूरिन टू डिक्रीज वाटर लॉस। ठीक है, अभी देखो ये क्या कर रहे हैं, डेजर्ट एनवायरमेंट में रह रहे हैं। डेजर्ट एनवायरमेंट में रह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनको वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम है। अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से क्या होगा, उनको चाहिए वाटर, तो वो वाटर के लिए क्या करेंगे, एक तो वो अपना इंटरनल फैट है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे जिससे उनकी बॉडी को खुद को क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ये फिजियोलॉजिकल चेंज आया उसके अंदर। दूसरा जो यूरिन वो पास करते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर वाटर की सप्लाई उनको फुलफिल होती है। ठीक है, तो ये एक अडेप्टेशन देखने को मिल रहा है इनके अंदर। तो इस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने अंदर अडेप्टेशन ले आते हैं। डेजर्ट के अंदर जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो अडेप्टेशन होता है उसके बारे में मैंने आपको बोला कि जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर वही सनकॉर्न स्ट्रोमेटा है, थिक क्यूटिकल उनमें देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डेजर्ट एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट प्लांट्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है लीफ वगैरह जो है जितने भी वहां पे प्रेजेंट जो स्ट्रोमेटा है वो वहां पे इजीली जो है लाइट के कांटेक्ट में आते हैं और ट्रांसपीरेशन होता है, इवोपरेट हो जाता है वाटर। तो उस चीज को रोकने के लिए उनके पास में क्या क्या चीजें जो है चेंज आ सकता है, तो थिक क्यूटिकल रहती है, ट्रांसपीरेशन कम हो, सनकन स्ट्रोमेटा रहते हैं, यानी कि इस तरह से गर्त में धसे हुए उनमें क्या मिलते हैं देखने के लिए, स्ट्रोमेटा देखने के लिए मिलते हैं।
ठीक है। इसी के साथ में हम बोल रहे हैं कि स्टोमेटा ओपन ही रात के टाइम पे होते हैं, तो वैसे ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डेजर्ट प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है इस तरह की चेंजेस। चलिए इसके अलावा जैसे कि एग्जांपल है ओपुंचिया, ओपुंचिया में लीव्स ही नहीं होती, ट्रांसपिरेशन ना हो इसके लिए, रिड्यूस्ड होती है स्पाइन के अंदर, और फोटोसिंथेसिस जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है बाय द स्टेम। रीजन, स्टेम के पास में तो स्टोमेटा है नहीं, तो इस वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो इतना होगा नहीं, ठीक है। डेजर्ट लिजर्ट्स जो होती है उनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जब वो लो टेम्परेचर होता है तो वही वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं हीट को, और हाई टेम्परेचर जो होता है तब वो क्या करती है, छाया के अंदर मूव कर जाती हैं। तो ये उनके अंदर अडेप्टेशन है कि वो अब माइग्रेट हो गई है, एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई है। अब मैमल्स, मैमल्स में क्या चेंज है, देखिए मैमल्स जो होते हैं उनको अगर अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल, एलन्स रूल यही कहता है कि अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन जो उनकी एक्सटर्नल जो हम बोलते हैं कि एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं उन सब में चेंजेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके उस एनवायरमेंट के लिए। फॉर द एग्जाम्पल के लिए जैसे मैमल्स है, मैमल्स में अगर हम देखते हैं कोल्डर क्लाइमेट अगर रहता है तो वहां पे उनके ईयर जो होते हैं वो छोटे रहते हैं, लिम्ब्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, छोटे होते हैं। रीजन, ताकि उनकी बॉडी का, बॉडी से हीट लॉस ना हो और वो अपने आप को गर्म बना के रखे, है ना, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है। अब वैसे एक्वेटिक मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर थिक हमें देखने को मिलती है, क्या बोलते हैं ना, एक लेयर देखने को मिलती है जिसको ब्लबर बोलते हैं, फैट होता है। तो ये जो है फैट क्या करता है, ये फैट जो है उनको वही जब लो टेम्परेचर है तो उसके अंदर वो उनको हीट प्रोवाइड करता है अपने आप को गर्म बनाने के, रखने के लिए बॉडी के टेम्परेचर के लिए। और इसके अलावा ये जो आपकी बटरफ्लाइज होती है ये क्या करती है, ये मिमिक करती है, और मतलब डरा, जो भी प्रेडेटर्स आते हैं उनको डराने के लिए। तो ये उनके अंदर एनवायरमेंटल हम बोलते हैं अडेप्टेशन है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए चार्ट के फॉर्म में आपको बताया है कि यहाँ यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए नेक्स्ट है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट की तरफ जाते हैं तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाओगे आपको ऑक्सीजन की जो है कमी वहां देखने को मिलेगी। अब उसको कम, आप कैसे आप उस कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे, तो देखिए ऑक्सीजन जब वहां पे हमें कम मिलेगा तो हमें क्या चाहिए कि हमारा रेस्पिरेशन जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेशन इंक्रीज का मतलब हो गया ब्रीदिंग हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ब्रीदिंग इंक्रीज का मतलब ये हो गया कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब आप अंदर लेते हो तो उसको एसोसिएट होने के लिए हमें क्या चाहिए कि हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर क्वांटिटी में हो, यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज होगा। धीरे धीरे जब आरबीसी काउंट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन जो है उसको बाइंड करके टिश्यू तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन सेम कंडीशन ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में जो बाइंडिंग होने की एफिनिटी वो थोड़ी कम हो जाएगी। जब वो एफिनिटी जो है कम होगी तो उससे क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो डिसोशिएट होगा हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज को उसकी क्या हो जाएगी, सप्लाई होगी। तो ये जो तीन इफेक्ट्स, तीन कंडीशंस होती है वो हमेशा हाई जब आप एल्टीट्यूड की तरफ जाते हो तो ये आपके अंदर होती है, जिसकी वजह से गाल वगैरह आपके पिंक पिंक नजर आने लग जाते हैं, बिकॉज आपके ब्लड के अंदर हमें बोल रहे हैं आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में एफिनिटी कम होने का मतलब ये हुआ कि वो हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाएगा टिश्यू लेवल पे और टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो इस वजह से ये तीन फैक्टर्स जो होते हैं वो हम बोलते हैं तीन चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं जब आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हो। तो धीरे धीरे, लेकिन आप याद रखिए एकदम से आपके अंदर जो है ये सडन चेंज नहीं आ जाएगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसा होता है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो जब भी ऐसा होता है कि जो प्लेन एरिया में रहता है और वो ऊंचाई पे जाता है तो उसकी रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उसके बारे में ध्यान रखिए। चलिए पॉपुलेशन, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग एट वन प्लेस कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलेशन। ये मैंने आपको बताया पॉपुलेशन हमेशा एक सिमिलर स्पीशीज के मेंबर से बनता है, जैसे पॉपुलेशन की मैंने बात की, ह्यूमंस की अपनी एक पॉपुलेशन है, सेम स्पीशीज के मेंबर्स हैं। अगर हम पोटैटो की लगा रहे हैं, एक जगह क्रॉप लगाया तो हमने बोला है कि वो सेम स्पीशीज वहां पे हमने ग्रो की है, तो वो पोटैटो की क्या है, पॉपुलेशन है। वो प्लांट स्पीशीज हो सकती है, वो माइक्रोब्स के लिए भी स्पीशीज हो सकती हैं, या फिर वो हमें बोल रहे हैं वो पॉपुलेशन जो है वो हमें बोल रहे हैं कि ह्यूमंस की भी हो सकती है, या फिर हमारे अलावा अनदर एनिमल्स जो हैं जैसे कैट है, डॉग है, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की भी पॉपुलेशन हो सकती है। बट द नंबर ऑफ सिमिलर, हम बोल रहे हैं जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो सिमिलर स्पीशीज, एक सेम स्पीशीज के ही होने चाहिए मेंबर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। चलिए अब देखिए पॉपुलेशन जो होता है
उस पर इफेक्ट जो पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर, हम ये बोलते हैं कि इफेक्ट किस किस चीज का पड़ता है। देखिए, एक तो उस पर इफेक्ट पड़ता है इंडिविजुअल के अंदर, क्या होता है पहले तो आप समझिए, इंडिविजुअल के अंदर खुद का बर्थ होगा, ठीक है, उसकी खुद की हम ये बोल रहे हैं कि उसकी डेथ होगी, ये एक इंडिविजुअल के बेसिस पे, तो उसका कोई एक इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो उसी का बर्थ उसी का डेथ हुआ, एक उसके लाइफ प्रोसेस के इवेंट्स हैं ये कि उसका बर्थ हुआ, देन उसकी हम ये बोल जुवेनाइल फेज आई, देन उसकी रिप्रोडक्टिव फेज आई, एंड देन उसके बाद उनकी हम बोल रहे हैं कि सेनेसेंट फेज आई, वृद्धावस्था आई, एंड देन उनकी डेथ होगी। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर हम ये बोले या फिर पूरे लाइफ स्पैन के अंदर होते हैं। बट जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का जो नंबर होता है कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का क्या नंबर है, तो उस पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है उस पर इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आ जाती है बर्थ रेट, नेटेलिटी जिसको हम बोल रहे हैं, दूसरी आ जाती है डेथ रेट जिसको हम मोर्टेलिटी बोलते हैं, और सेक्स रेशियो, ये सब चीजें जो हम पॉपुलेशन के आधार पर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, बर्थ रेट जो होती है वो कैसे इफेक्ट करती है कि एक समय पर एक पर यूनिट टाइम में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उससे हम निकालते हैं बर्थ रेट। पहले कितने थे, ठीक है, निकल पहले कितनी पॉपुलेशन कितनी थी, लेकिन बर्थ रेट यानी कि हर साल कितने बच्चे नए पैदा होते जा रहे हैं, तो उससे पॉपुलेशन जो है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो बर्थ रेट का इफेक्ट कैसे पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, बर्थ रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो उसका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। वैसे डेथ रेट किसको बोल रहे हैं कि पर यूनिट टाइम में, कि जितना भी हम यूनिट टाइम ले रहे हैं, पर ईयर ले रहे हैं, पर आर ले रहे हैं, या पर मंथ ले रहे हैं, ठीक है, कुछ तो वो पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी डेथ हो रही है, ठीक है, कितने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं। अब डेथ रेट का हमेशा इफेक्ट कैसा पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन के साइज पे, क्योंकि डेथ रेट अगर इंक्रीज हो जाएगी बर्थ रेट से तो उससे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का साइज जो है वो डिक्रीज होगा, लेकिन अगर बर्थ रेट इंक्रीज हो जाती है डेथ रेट से तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। वैसे ही सेक्स रेशियो जो निकाला जाता है वो भी कैसे निकाला जाता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने मेल एंड कितने फीमेल है, इस तरीके से हम रेशो निकालते हैं। तो वैसे तो नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, या सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड होगा, ऐसी कंडीशन हो सकती है। बट अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे मेल भी एंड फीमेल भी, तो वहां पर निकलता है सेक्स रेशियो, यानी कि कितने उसमें मेल है। मान लिया 100 अगर 100 इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर हमने माना 60 और तो मेल है और 40 जो है वो फीमेल है, तो हम देखते हैं कि जो रेशो आता है उसमें हम बोलते हैं कि फीमेल का रेशो कम है, मेल का रेशो जो है एज कम्पेयर टू ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो वो सेक्स रेशो जो है वो भी हम पॉपुलेशन के आधार पर जो है निकालते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं यहां से। एज पिरामिड क्या है, इफ द एज, ये एज के अकॉर्डिंग जो है पिरामिड्स को जो है किसी पॉपुलेशन के लिए प्लॉट कर सकते हैं। एक पॉपुलेशन के बारे में बात करें, पॉपुलेशन से हम क्या, पॉपुलेशन पे क्या क्या चीजों के इफेक्ट हो रहे हैं और पॉपुलेशन से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, ठीक है। एज पिरामिड किसको बोल रहे हैं, एज आप जानते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स जो है प्रेजेंट इंडिविजुअल के ग्रुप को ही हम बोल रहे हैं, एक सेम स्पीशीज के मेंबर्स के ग्रुप को ही हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं। अब उसके अंदर देखिए, हर इंडिविजुअल सेम अपनी लाइफ फेज में हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जिनके नया नया बर्थ हुआ होगा, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि कुछ जो है वो तो क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर, यानी कि अभी तक वो क्या है अपने बचपन में चल रहे हैं, चाइल्डहुड स्टेज जो होता है उसमें चल रहे हैं, ठीक है। आप और ज्यादा फैमिलियर हैं इन वर्ड से तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, तो चाइल्डहुड स्टेज चल रही है। देन कुछ ऐसे होंगे जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में चल रहे होंगे, जिनकी शादियां वादियां होती है, शादी सीजन चल रहा है ना, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज वाले जो है मेंबर्स होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वाले हैं, जिनमें जो हम बोलते हैं कि हमारे थोड़ा सा हम बोलते हैं हायर जो एज वाले जो मेंबर्स हैं, हमारे मम्मी पापा बुआ है ना, ये दादी वगैरह, ये सब कुछ की जो एज वाले होते हैं, जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो फेज है उसमें चल रहे होते हैं। यानी एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप वाले हमें मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम लोग निकालते हैं ना कि कोई भी अगर उनका एज पिरामिड बनाते हैं, ठीक है, एज पिरामिड हम हमेशा बनाएंगे तो वही प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इस तरीके से हम लोग इसका एज पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। अब एक पॉपुलेशन में कितने मेंबर जो हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं, कितने रिप्रोडक्टिव वाले और कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं, इस पर बेस्ड करता है कि किस तरह का उनका एज पिरामिड बनेगा। अब यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे मार्क कर लीजिए, ये किसी को अभी समझ में आता नहीं है। देखिए, अगर रिप्रोडक्शन करने वाले जो हम बोल रहे हैं कि मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनसे ज्यादा अगर क्वांटिटी होती है किसकी, प्री रिप्रोडक्टिव वाली की, तो ऐसा एज पिरामिड जो होता है वो एक्सपांडिंग होता है। अब एक्सपांडिंग क्यों हुआ समझिए,
देखिए अगर बर्थ रेट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बर्थ रेट अगर यहाँ इंक्रीज हुई कि जितने पहले, अब जिनकी बर्थ रेट इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि पहले मान लीजिए कि 50 बच्चे थे, जो अभी 50 बच्चे जो है वो क्या हो गए, एडल्ट हो गए, हमें बोल रहे हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में चले गए, लेकिन अब बर्थ रेट नहीं की आ रही है, अब हमें बोल रहे हैं कि अब की बार अब 100-100 बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल, 100 बच्चे, तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले बच्चों की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले बच्चों की क्वांटिटी बढ़ रही है, तो अब जो एज पिरामिड बनेगा वो एक्सपांडिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब की बार जो ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले बच्चे हैं, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे तो उनकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, देन फिर जब ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएंगे तो जो उनकी क्वांटिटी भी क्या होगी, पहले से ज्यादा होगी। तो अगर हम लोग अगर कंपेरिजन में लेके चले तो हमेशा क्या होगा, जैसे ही प्री रिप्रोडक्टिव वालों की क्वांटिटी बढ़ती है तो उससे जो एज पिरामिड होता है वो एक्सपांडिंग बनता है, ठीक है, पर याद रखिए उसको एक्सपांडिंग इसीलिए बोल रहे हैं, समझना है हमें यहाँ पे, तो हमने समझाने के बेसिस पे हम बोल रहे हैं उसको एक्सपांडिंग, क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाएगा, बढ़ेगा एज पिरामिड जो है, कि अब की बार जो नए आने वाले रिप्रोडक्टिव फेज वाले जो मेंबर्स होंगे या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले मेंबर्स होंगे उनकी क्वांटिटी पहले के कंपेरिजन में ज्यादा होगी, क्योंकि यही तो क्या करेंगे, यही मेंबर्स जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे, तो हर बार अगर क्या हो रहे हैं आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले फेज में मेंबर ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब एज पिरामिड जो है वो हर बार क्या है, बढ़ता हुआ है, एक्सपांडिंग है, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन का साइज जो है हर बार क्या होगा, बढ़ेगा ही इसकी वजह से, ये अगर कंडीशन रहती है तो। स्टेबल कब बोल रहे हैं, अगर हमें देखने को मिल रहा है क्या रिप्रोडक्टिव वाले जो है वो फेज के मेंबर्स एंड जो हमारे प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले मेंबर जो हैं वो क्या है, उनका नंबर जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, एक जैसा ही है ना, इक्वल ही है, सेम ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल, ठीक है। और जबकि डिक्लाइन होता है अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज के जो हम बोल रहे हैं कि फेज वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्वांटिटी जो है हम क्या बोल रहे हैं कि कम है एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव फेज वाले, तो इसका एक जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, डिक्लाइन बनेगा, ठीक है ना, तो कमी होती जा रही है ना इसकी वजह से, अब की बार जो होंगे कम होता जा रहा है, तो इस तरीके से जो शेप होता है पिरामिड जो हम बनाते हैं वो तीन तरीके के हमें मिल सकते हैं, एक्सपांडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन। इस पर अच्छा क्वेश्चन बनता है, बट याद रखिए यहाँ पे ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, तो यार ऐसे याद रख सकते हो इसको, हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव फेज जो है ना उसके हिसाब से हम इसको इसका जो नेमिंग है वो करते हैं, ठीक है। प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा तो एज पिरामिड एक्सपांडिंग, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के बराबर तो एज पिरामिड स्टेबल, प्री रिप्रोडक्टिव वाला जो है अगर आपको जो एजेस वाले मेंबर जो मिल रहे हैं वो किससे कम है अगर रिप्रोडक्टिव वाले से, तो वो एज पिरामिड कैसा होगा, डिक्लाइन। तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो और ऐसे ही आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है ना। 50 इंडिविजुअल ऑफ ए ट्री स्पीशीज ग्रोन पर हेक्टेयर, देखिए होता क्या है, इसको हम एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम के अंदर देखते हैं, तो उससे हम पॉपुलेशन का साइज निकालते हैं। अगर मैं रखूं कि एक एक दो मैंने पैट्री प्लेट्स ली है ना, एक उस पैट्री प्लेट के अंदर मैंने सेम टाइम के अंदर देखा कि एक पैट्री प्लेट पे बैक्टीरिया, दोनों पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक पैट्री प्लेट पे जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो हमें क्या मिल रही है कि उसके अंदर मान लीजिए 50 बैक्टीरियाज ही है, जबकि दूसरी जो पैट्री प्लेट है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उनकी क्वांटिटी कितनी है, 100 है। तो हमने क्या देखा, एक पर यूनिट टाइम के अंदर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो नंबर्स हैं है ना, तो वो क्या है, कम है, जबकि दूसरे में क्या है, ज्यादा है। तो अगर कंपेयर करते हुए हम देखते हैं तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, बी जो हमारी राइट हैंड में जो हमारी जो पैट्री प्लेट है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं तो उनकी क्या है, डेंसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा डेंसिटी होगी तो पॉपुलेशन का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पे पॉपुलेशन का साइज जो है वो निकाला जा सकता है पर यूनिट टाइम के अंदर, पर यूनिट एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसी से पॉपुलेशन का साइज भी बताया जाता है। जितना पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उतना ही बड़ा पॉपुलेशन का साइज होगा, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ मैंने आपको पहले भी बोली, इस पर डिपेंड करती है बर्थ रेट पे, आपकी डेथ रेट के ऊपर डिपेंड करती है, और दो और फैक्टर है जो इसमें डिपेंड करते हैं, एक तो इमिग्रेशन और एक एमिग्रेशन, ये चार चीजें हैं जो भी किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है उस पर इफेक्ट डालती है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब देखिए नेटेलिटी हम किसको बोल रहे हैं, नेटेलिटी हम बोल रहे हैं कि बर्थ रेट को, कि अगर बर्थ रेट बढ़ती है तो ये पॉजिटिव इफेक्ट डालती है पॉपुलेशन पर, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो भी पॉजिटिवली क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। मोर्टेलिटी यानी कि नंबर ऑफ डेथ जो है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो डेथ रेट इंक्रीज होगी, डेथ रेट इंक्रीज है तो ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है किस पे, पॉपुलेशन की ग्रोथ पे, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव उसकी ग्रोथ होगी, यानी कमी होगी उसके साइज के अंदर।
इमिग्रेशन का मतलब हो गया अगर कोई इंडिविजुअल जो है सेम स्पीशीज का अगर उसके अंदर क्या होता है सेम उसी हैबिटेट के अंदर आ जाता है यानी एड ऑन हो रहा है तो ये पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को इंक्रीज करती है, पॉजिटिव है। और एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई सेम स्पीशीज का मेंबर जो है वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को उस एरिया को छोड़ के कहीं और चला जाता है, माइग्रेट हो जाता है अगर वहां से, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है नेगेटिव इफेक्ट डालता है उस एरिया के पॉपुलेशन के साइज पे, वो क्या होता है कम होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव डालता है। तो इस तरीके से चार चीजें हैं जो इफेक्ट करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ पे, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ठीक है। ये जो है ये फॉर्मूला है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, टी टाइम के अंदर आपको अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये चार्ट आपको दिया गया है, बी नेटेलिटी को शो करता है, डी मोर्टेलिटी को शो करता है, आई जो है इमिग्रेशन को, इमिग्रेशन को, और ई एमिग्रेशन को। अब देख लो एमिग्रेट हो रहा था नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, इमिग्रेशन है तो पॉजिटिव इफेक्ट है, नेटेलिटी भी पॉजिटिव डाल रही है पॉपुलेशन की डेंसिटी पे, और मोर्टेलिटी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। एन से हम क्या शो करते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी शो करते हैं टी टाइम के ऊपर पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर कई तरह के इंटरेक्शन, ये देखिए ये इंटरेक्शन जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि इंटरेक्शन जो है वो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो सकते हैं, यानी दो डिफरेंट हम ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन के बीच में ये इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी कौन कौन से इंटरेक्शन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का जिसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए पूरा चैप्टर, अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर अगर ये चीज भी आप पढ़ लेते हैं तो आप देखिए स्कोर कर पाएंगे। आप देखिए इस पे छोटे से छोटा क्वेश्चन कभी कभी मैच द कॉलम का क्वेश्चन जरूर बनता है। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो इन इंटरेक्शन को समझिए सिंपल डेफिनेशन में। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये हो गया दो लोग हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है बराबर बेनिफिशियल है, एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में आपके मम्मी पापा है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होगी तभी उनकी गाड़ी क्या है बराबर चल रही है, दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। पापा आपके घर के अंदर ऐसा कंडीशन होती है कि कमा के लेके आते हैं, रुपए देते हैं, तो मम्मी आपके घर को संभालती है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो रहे हैं इक्वली बेनिफिशियल है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते उसको। तो इस चीज से समझिए म्यूचुअलिज्म क्या होता है, दोनों ही बेनिफिशियल है, एक को रुपया मिल रहा है तो एक को खाना मिल रहा है। उल्टा कर लीजिए, अगर आपकी मम्मी कमा रही है और पापा जो है वो अगर घर के कामों में हेल्प कर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी क्या है दोनों एक दूसरे के लिए क्या है बेनिफिशियल है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है, दोनों का ही पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। अब इसके कुछ और एग्जांपल समझिए, जैसे कि इन एग्जांपल्स में आ जाता है लाइकेंस। अब लाइकेंस में एल्गी एंड फंजाई दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसको आप बोलते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर बेनिफिशियल होते हैं। एल्गी जहां उसको फूड प्रोवाइड कर रही है वहीं फंजाई क्या कर रही होती है, वहां पे उनको वाटर जो है वो अब्सॉर्ब करके लेके आ रही है, मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, तो दैट इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है। कॉम्पिटिशन क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, ये कॉम्पिटिशन हमेशा किसी इंटरेस्ट स्पेसिफिक हो सकता है, यानी दो स्पीशीज के बीच में ये कंपटीशन हो सकता है, या फिर इंट्रा स्पीशीज हो सकता है, यानी एक स्पीशीज के मेंबर्स के खुद के बीच में कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन हमेशा उनके रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, चाहे वो क्या है वो फूड है, तो फूड उनकी मेन हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट रहती है, तो फूड के लिए कॉम्पिटिशन हो सकती है, ठीक है, शेल्टर के लिए कॉम्पिटिशन हो सकती है। तो इसमें दोनों ही क्या रहते हैं आपके कॉम्पिटिशन की वजह से नेगेटिव रह सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन होगा तो कभी किसी को मिलेगा कभी किसी को, दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ही रहते हैं। दो बिल्लियां लड़ी है तो दोनों बिल्लियां क्या होती है नेगेटिव रहती है कि नहीं रहती है, बंदर जो होता है वो फायदा उठा ले जाता है, यहां से याद रख सकते हैं दोनों ही नेगेटिव रहते हैं। प्रिडेशन, प्रिडेशन के अंदर मतलब हुआ कि एक जो है प्रे है जो जिस पर नेगेटिव इफेक्ट डलेगा क्योंकि उसको उसका प्रिडेटर जो है वो खा जाएगा शिकारी, तो एक तो क्या है नेगेटिव रहेगा दूसरा रहेगा पॉजिटिव। पैरासिटिज्म का मतलब ये हो गया कि ये भी सेम कंडीशन है, पैरासिटिज्म जो होता है पैरासिटिज्म के अंदर डिजीज कॉज होती है जिसके अंदर होस्ट जो होता है वो नेगेटिव रहता है क्योंकि उसमें डिजीज हो जाती है, जबकि जो हम ये बोले पैरासाइट होता है वो डिजीज कॉज करता है बट उसको फूड मिलता है वहां से तो वो पॉजिटिव रहता है। तो होस्ट जो है वो कैसा होता है नेगेटिव रहता है, जबकि हम बोले पैरासाइट जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, उसको उससे बेनिफिट होता है, ठीक है, तो वो हो गया पैरासिटिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म में एक को कोई बेनिफिट नहीं है जबकि एक जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। कैसे समझेंगे, जैसे गाय चलती है, गाय चलती है तो क्या होता है खुर से मिट्टी उछालती है, मिट्टी उछालती है तो वहां से मिट्टी के अंदर दबे हुए कीड़े बाहर आ जाते हैं तो पक्षी उनको खा लेते हैं। तो अब देखो इसके अंदर गाय ने जब मिट्टी उछाली तो उसको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन उस मिट्टी के उछालने से जो कीड़े बाहर आए उनको पक्षियों ने खा लिया, तो पक्षी कैसे रह गए, पक्षी जो है वो कैसे हो गए पॉजिटिव, उनको फायदा हुआ उससे तो वो पॉजिटिव कंडीशन में रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं कमेंसलिज्म। एक होता है अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म के अंदर क्या होता है
कि एक को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बट दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फॉर द एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं जब वायरल अटैक होता है तो इंटरफेरोन जो है उसको डेवलप करती हैं। अब सेल्स इंटरफेरोन डेवलप करती हैं तो उसके आसपास की सेल जो है उनके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, वो भी सर्वाइव कर रही है अपने आप को, तो उन सब के लिए तो क्या है जितनी भी इंटरफेरोन के डेवलप होने की वजह से खुद सेल जो है उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, ठीक है, लेकिन इंटरफेरोन की वजह से वायरल सेल जो होती है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, तो ये क्या हो गया, ये अमन सेलिज्म वाली कंडीशन हो गई। तो इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको कभी चार्ट के थ्रू ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से पॉजिटिव इंटरेक्शन और कौन से नेगेटिव है, जैसे म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव है, कमन सेलिज्म जो है वो पॉजिटिव है, पूरी तरीके से पॉजिटिव ही है ये, जबकि बाकी चाहे कॉम्पिटिशन हो, प्रिडेशन हो, पैरासिटिज्म हो, मेंसेलिज्म हो, सभी नेगेटिव इंट्रैक्शन में आते हैं, क्योंकि इसमें एक ना एक नेगेटिव कंडीशन में रहता ही है, उसको नेगेटिव नेगेटिव रहता है, यानी उसकी कुछ ना कुछ चीज़ जो है उसका नुकसान होता ही है। सिम्बायोटिक को हमने म्यूचुअलिज्म बोला है, लाइकेंस उसका एग्जाम्पल है, हमने डिस्कस किया है इस चीज़ को। लाइकेंस जो है वो क्या करते हैं, तो इसमें देखिए फोटोसिंथेसिस करती है, एल्गी फूड प्रोवाइड करती है, फंजाई शेल्टर देती है, वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब करवाती है, ये हमने डिस्कस किया है। माइकोराइजा, या दिस इज अनदर एग्जांपल, देखिए माइकोराइजा जो होती है वो क्या होती है, आपके हायर प्लांट्स के रूट के ऊपर फंजाई जो होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, उनको शेल्टर मिलता है बट वो रूट से क्या करती है एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है, मिनरल्स अवेलेबल करवाती है प्लांट्स को, दोनों अगेंस्ट सिम्बायोटिक रिलेशन में है। तो ये माइकोराइजा भी जो है वो भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो फूड प्रोवाइड क्या करती है और फंजाई क्या देती है, ये उसके एग्जांपल है, ये हमने डिस्कस कर लिया। चलिए कोरिलेटेड रूट, बिल्कुल साइकस प्लांट के अंदर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एनाबीना जो होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। एनाबीना को क्या मिलता है, ये तो नाइट्रोजन फिक्स करती है, जबकि एनाबीना को बदले में क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गई, बेनिफिशियल हो गई। म्यूचुअलिज्म कॉम्पिटिशन दोनों तरह से है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दो स्पीशीज के बीच में, इंट्रा यानी एक स्पीशीज के ही मेंबर्स के बीच में, ठीक है। टू अनरिलेटेड स्पीशीज कैन ऑल्सो कॉम्पीट फॉर सेम रिसोर्स, एग्जाम्पल के लिए फ्लेमिंगो एंड साउथ अमेरिकन फिशेज जो होती हैं, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। फिर देखिए इसके अलावा कॉम्पिटिशन के लिए गॉसेस प्रिंसिपल आ जाता है, इसके अंदर तो बस वही है, इन सच कंडीशन सुपीरियर स्पीशीज विल सर्वाइव और इन्फीरियर इज एलिमिनेटेड विच इज नोन एज कॉम्पिटेटिव रिलीज। देखिए कॉम्पिटिशन का मतलब यही होता है, दोनों को हमने नेगेटिव शो किया है लेकिन दोनों में से सर्वाइव वाइव करेगा जो सुपीरियर होगा, जिसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी होगी वो उस रिसोर्स का यूज कर लेगा, जबकि दूसरा जो है उसके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अदर कंडीशन ऑफ को एग्जिस्टेंस कैन बी पॉसिबल इफ टू स्पीशीज अडेप्ट मेथड ऑफ रिसोर्स पार्टीशन इफ द बोथ द स्पीशीज चेंज देयर टाइम टू प्रिडेशन। अब ये कंडीशन हो सकती है कि अगर दो स्पीशीज है जो एक चीज के लिए कॉम्पिटिशन कर रही है या एक फूड को खाने के लिए कंपटीशन कर रही है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि दोनों अपना शिकार पकड़ने का टाइम बदल दे, शिकार पकड़ने का टाइम बदल देंगे तो दोनों को अवेलेबिलिटी होगी, तो इस तरीके से हम कंपटीशन जो है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। बट ये है आपका गॉसेस प्रिंसिपल, ये कंडीशन है जिसके थ्रू ऐसा किया जा सकता है। प्रिडेशन हमने आपको बताई है कि प्रिडेशन क्या होता है, इसके अलावा प्रिडेशन जो है देखिए प्रिडेशन के अंदर वही मेन चीज है कि प्रे जो होता है वो अपने अंदर कई तरह की अडेप्टेशन ले आता है जिसकी वजह से वो अपने शिकारी से बच सके, ठीक है। बट फिर भी हम प्रिडेशन के अंदर ऐसा ही मानते हैं कि एक नेगेटिव रहता है और एक पॉजिटिव रहता है। प्रिडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन देम। प्रिडेटर्स जो होते हैं ये स्पीशीज जो होते हैं ना उसके बीच में कॉम्पिटिशन जो होती है उसको भी कम करने में हेल्प कर सकते हैं जो प्रीडेटर्स है, शिकारी है। लेकिन ये एक्चुअल में अगर ये नहीं होंगे तो फूड वेब कैसे बनेगा ना, फूड वेब बनाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसी के साथ में नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैरासिटिज्म हमने बताया पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स हमेशा डिजीज कॉज करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह सभी पैरासाइट्स हैं, होस्ट इसके अंदर नेगेटिव रहते हैं। अमन सेलिज्म हमने बताया जैसे कि पेनिसिलियम है फॉर फंगस, पेनिसिलियम जो है फंगस उसको डेवलप करे, पर ये बैक्टीरिया के लिए तो क्या है हार्मफुल है, फंगस के लिए इसका कोई रोल नहीं है, तो ये उस पर नेगेटिव हो गया और खुद के लिए क्या है ये जीरो कंडीशन में। क्लोरेलिन क्लोरेला से जो है वो डेवलप हो रहा है, तो अगेन ये इसके खुद के लिए तो क्या है कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रही, जबकि दूसरे बैक्टीरिया के लिए क्या है एंटीबायोटिक की तरह फंक्शन करती है तो नेगेटिव होता है, तो उसको हम अमेंसेलिज्म कहते हैं, जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए गए। चलिए तो यही सब चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है
और ये है कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस जिनको आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने एक्चुअल में इसमें सिर्फ वही चीजों को मेंशन किया है मेन जो इम्पोर्टेंट है और जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सब चीजों को स्किप करने का मेन रीजन यही है कि अगर आपके पास में टाइम शॉर्ट है और कम है तो अगर आप इन सब चीजों को भी पढ़ लेते हैं तो भी बहुत है, ज्यादा डीप अगर नहीं भी जाते तो चलेगा क्योंकि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप पिछले पांच सालों के पेपर उठा के देखोगे तो अगर इकोलॉजी के इस टॉपिक से आप ढूंढने जाओगे तो पर्टिकुलर उस ग्राफ के ऊपर, ठीक है, कुछ आपके जो ये इंटरेक्शन है इनके ऊपर, तो वो जो टॉपिक्स जो आपके लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं उनको हमने यहाँ डिस्कस किया है क्योंकि हम एक घंटे में चाहते ही हैं कि एक घंटे में हम वो सब चीजें डिस्कस कर लें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमारे मतलब डिटेल स्टडी करने के लिए हमारे काफी सारे चैप्टर्स के वीडियोस हैं हमारे ऐप पे, आप वहां पढ़ सकते हो इसको। लेकिन ये चूंकि हमने मोस्ट वांटेड सीरीज कुछ इस तरीके से डिजाइन की है जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उन्हीं को हाईलाइट कर रहे हैं जिन पर ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर आपने इस चैप्टर में से इतना भी पढ़ लिया तो देखिएगा आप क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि इनमें से इन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। एज पिरामिड जो है इसको तो आप रख लीजिए, घोट लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको करना है मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप समझ गए हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है तो आप इसको बता देंगे मुझे। ये एक और आपके लिए जो है क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।